उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एटीएम सुरक्षा की लापरवाही के चलते लगातार बढ़ रही ठगी और धोखाधड़ी की वारदात रोकने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। एटीएम सुरक्षा में लापरवाही पर पटेल नगर थाना पुलिस ने बीते कुछ दिन पहले 3 एटीएम में ताला जड़ दिया था। आपको बता दें कि पिछले एक साल में दून में 350 से अधिक एटीएम के जरिए हुई ठगी की वारदातें सामने आई हैं। एटीएम में बढ़ती आपराधिक वारदातें रोकने के लिए सुरक्षा जरूरी है। वहीं शहर में बड़ी संख्या में एटीएम ऐसी जगह हैं जो बिना गार्ड की तैनाती के चल रहे हैं, लेकिन थानों की पुलिस अब तक इस तरह का कदम नहीं उठा पाई है। वहीं एसपी सिटी प्रदीप राय ने बताया कि पटेल नगर ही नहीं शहर के सभी थाने क्षेत्रों में पड़ने वाले एटीएम की सुरक्षा की जाती रही है। इसे लेकर संबंधित थानों को पहले एटीएम से जुड़ी बैंक शाखा के प्रबंधक को नोटिस देने और उसके बाद सुरक्षा पुख्ता नहीं करने पर एटीएम को सील करने के लिए कहा गया है। देखिए, ये केवल एटीएम ही नहीं बल्कि बैंकों के बारे में भी हम लोग सुरक्षा जायजा ले रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे देहरादून में काफी बड़े पैमाने पे एटीएम फ्रॉड किए गए थे और अभी भी एटीएम फ्रॉड और साइबर फ्रॉड और बैंक के फ्रॉड की सूचनाएं बार बार आ रही हैं। और इसके मद्देनजर सारे थानाधीशों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जो भी बैंक हैं और जो एटीएम है उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें, क्योंकि अल्टीमेटली चूंकि जिम्मेदारी तो वैसे बैंक की है लेकिन फिर भी पुलिस की जिम्मेदारी आ जाती है। इसके परिप्रेक्ष्य में ये जांच की जा रही है। अभी भी पाया जा रहा है कई जगहों पे सायरन, इमरजेंसी सायरन और गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरे इसकी कमियां पर लक्षित हुई हैं और उनमें हम बकायदे नोटिस दे रहे हैं, उनको सूचित कर रहे हैं, बैंकों को सूचित कर रहे हैं और जिन बैंकों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे।